वीडियो डाउनलोडर दोस्तों इस लिस्ट में टॉप पे है। वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए काफ़ी अमेजिंग सॉफ्टवेयर जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बेसिकली इस एप्लीकेशन की मदद से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस टाइप की जो सोशल मीडिया वाली वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है, इन सभी पे जो वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं उन सभी वीडियोज़ को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप पे आप कोई स्टेटस देखते हैं तो वो डायरेक्टली आप में सेव हो जाता है। बेसिकली आपको करना क्या है, किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी वेबसाइट पे जाकर किसी भी वीडियोस की आपको जो है लिंक को कॉपी कर लेना है, या फिर अगर आप मोर पे टैप करते हैं तो बेसिकली आपके सामने इस वीडियो डाउनलोडर का जो है ऑप्शन भी आ जाता है। तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और फिर गाइस सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करना है, और डाउनलोड पे टैप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। लाइक कौन कौन से पिक्सल्स में आप इन वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। सिंगल टैप में वो वीडियो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी, साथ ही गाइस आप उसे प्ले भी कर पाएंगे MX के साथ। तो गाइस जो भी फेमस वाले हैं लाइक ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गए, इन सभी के वीडियोस को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ऑटो क्लिकर। तो यार ये ऑटो क्लिकर जो एप्लीकेशन है इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम पहले भी आपको बता रखा है, और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और यूनिक से कॉन्सेप्ट के साथ आता है। लाइक ऑटो क्लिकर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको व्हाट्सएप की तरह। लाइक व्हाट्सएप में आपको किसी से कुछ बोलना है, सॉरी बोलना है, मिस्टेक्स के बारे में कुछ बोलना है, तर होता है ना बार बार मैसेज करते रहते और वो बंदा मानने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे केस में गाइस आप इसे यूज़ करके जो है यहाँ पर ऑटो क्लिक करके बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऐड के बटन पर टैप करके आप अलग अलग से बटन्स को ऐड कर सकते हैं, और एक बार इन्हें ऐड करने के बाद बेसिकली आपको इनके सेलेक्टेड एरिया पर रख दीजिए और उसके बाद प्ले के बटन पर टैप कर दीजिए। तो गाइस SMS बॉम्बर की तरह भी ये एप्लीकेशन आपके लिए वर्क कर देगा, और बेसिकली सीन कुछ ऐसा है। देखो यार यहाँ पे आप छोटे से बड़े वर्ड तक को भी टाइप करवा सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़े से शांत दिमाग के साथ इस काम को करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ऐप टूल्स कंट्रोल। तो गाइस ये जो एप्लीकेशन है आप जैसे कि देख सकते हैं एज अ शॉर्टकट आपके लिए वर्क करता है। लाइक आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करा देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। टॉप पे म्यूजिक प्लेयर, टॉप पे आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, कुछ ही टॉगल्स, नोटिफिकेशन टॉगल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। साथ ही गाइस आपको जो यहाँ पे बॉटम में कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक आप रिसेंट एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टैब में, सेकंड टैब में कई एप्लीकेशन देख सकते हैं, और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऐड के बटन पे टैप करके उन सभी एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। ये हो गई एक बात, और उसके बाद गाइस टॉगल्स की बात करें, अगर आप वहाँ पे भी लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आप यहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग काफ़ी सारे टॉगल्स को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये जो आइकन है आप इस आइकन को अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी रख सकते हैं। टॉप पे रखना चाहते हैं तो आप इसे टॉप पे रख सकते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं तो आप इसे बॉटम में रख सकते हैं। बेसिकली आप जो यहाँ पे म्यूज़िक को कंट्रोल भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो गाइस यहाँ पे जो इसका आइकन है, एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। लाइक आप इस आइकन के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा छोटा भी बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है डोप वॉल्स। तो गाइस वॉलपेपर जो कि आप थंबनेल पे अक्सर देखते हैं, और गाइस आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट भी करते हैं कि यार मुझे ये वॉलपेपर चाहिए। तो गाइस मोस्ट ऑफ द वॉलपेपर जो हमारे इसी एप्लीकेशन के अंदर से आते हैं, लाइक सुपर हीरोज़ के, एनिमीज़ के, या फिर टॉप पॉपुलर फेमस जितने भी वॉलपेपर्स आप देखते हो ना यार, मोस्ट वॉलपेपर की जो क्वांटिटी है गाइस यहाँ से ही आती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सुपर हीरोज़ वाले काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे एमोलेड वाले वॉलपेपर्स ही देखने को मिलते हैं। सो बाकी और भी बात की जाए इस एप्लीकेशन की, तो गाइस कैटेगरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स वॉलपेपर, सुपर हीरोज, फॉरेस्ट। तो गाइस सुपर हीरोज़ वाले वॉलपेपर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल और काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो बेसिकली किसी भी वॉलपेपर को ओपन करने के बाद आप एडिट पर अगर टैप करते हैं तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं। लाइक आप उसे ब्लर कर सकते हैं या फिर उसे क्रॉप भी कर सकते हैं, और उसके कलर्स में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बाकी उसके बाद गाइस अगर आप सेट एज पे क्लिक करेंगे तो कुछ वॉलपेपर जो फेमस वॉलपेपर्स हैं उनके लिए आपको कोई ऐड एक बार देखना पड़ेगा, तभी आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे या फिर सेट एज वॉलपेपर कर पाएंगे। लेकिन यार मोस्ट ऑफ द वॉलपेपर जो है यहाँ पर अवेलेबल है टोटली फ्री, और आप उन सभी वॉलपेपर्स को यूज कर सकते हैं। कितने बंदों ने देखा है, कितने बंदों ने डाउनलोड किया है, कितने बंदों ने उसे रेट किया है, क्या रेट किया है, वो सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा यूनिक है और काफी अच्छी है। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की जिसका नाम है स्क्रीन स्टॉप वॉच। तो बेसिकली गाइस सुपर
विंडोज़ के वॉलपेपर्स लगा लगा के आप टोटली हो चुकी है बोर, और गाइस लगाना चाहते हैं कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट सा करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है वॉलपेपर में लगा देंगे ये एक टाइमर जो कि आपको बताता रहेगा कि आपने पूरे दिन में कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड अपने स्मार्टफोन को यूज़ किया है। ये काफ़ी अमेजिंग तरीका है पता लगाने का आप अपने स्मार्टफोन को एक दिन में कितने टाइम तक यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस नहीं, मिलते हैं आपसे बिल्कुल से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।